और जो यहाँ के नज़ारे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको। एक और बार बैक जाके और आगे की तरफ जाके मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये है जयपुर जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जयपुर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आज जयपुर के नाहरगढ़ के ऊपर और आज आपको दिखाने वाला हूँ नाहरगढ़ के ऊपर का नज़ारा जो कि कुछ है इस तरीके का। और ये है जयपुर के एक साइड के ऊपर का जयपुर का नज़ारा जो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये जितने भी ये छोटे छोटे सारे घर हैं ये एक तरफ का है। तो चैनल के साथ बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऊपर जा कर के। और ये है इसका रास्ता आने का जो कि कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे लोग बाय टू व्हीलर एंड वो करके ही इधर की तरफ से आ सकते हैं। सो हम आ गए बैक साइड से फाइनली ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपका टू व्हीलर का 20 रुपीज़, फोर व्हीलर 50 रुपीज़ ऐसा कुछ चार्ज है। और उधर जो है ये पूरा रास्ता जा रहा है, ये नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहा है। और हम चलते हैं इधर की तरफ और दिखाता हूँ आपको पूरा आगे का व्यू। इधर जो है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड एक बावड़ी टाइप कुछ बनी हुई है, सो वो दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। और उसके बाद लेके चलूँगा सीधा ऊपर यहाँ पे जो, तो सनसेट पॉइंट जो है देखते हैं कितना खूबसूरत लगेगा यहाँ से। वैसे तो बेसिकली बहुत प्यारा ही लगता है क्योंकि एक तो हाइट है और दूसरी बात जो है यहाँ की खूबसूरती है। देखिए ये बावड़ी टाइप कुछ है, आप समझदार है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं कि बावड़ी क्या होती है, मुझे भी नहीं पता। वैसे बावड़ी वही होती है जो ये है, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो कुछ इस टाइप का बना के रखते थे, इसे बावड़ी कहते हैं। और इसमें पानी का लेवल कुछ, इसमें पानी डालने के लिए होता था स्टोरेज के लिए पूरा, जो ये समय समय पर इसको यूज़ में लेते रहते थे। तो चलते हैं वहाँ ऊपर की तरफ, जो आप सामने देख रहे हैं उसका रास्ता इधर से, आपसे मिलता हूँ वहीं जाके सीधा। सो आ गया हूँ यहाँ पे जस्ट पास में, सनसेट थोड़ा सा छिपा हुआ है जो कि उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारी वीडियो के अंदर आप यहाँ का जयपुर का व्यू देखा होगा, वो यहीं का है सारा सीन। और जो यहाँ के नज़ारे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको। एक और बार बैक जाके और आगे की तरफ जाके मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये है जयपुर जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जयपुर। और सामने जो आप देख रहे हैं पानी सा भरा हुआ है उसको कहते हैं दाल कटोरा। इस जगह का नाम है दाल कटोरा। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा जयपुर ऊपर की तरफ से नाहरगढ़ फोर्ट के साइड में जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये पूरा यहाँ से दिख रहा है। ये पैदल और टू व्हीलर के लिए है, लोग पैदल आते हैं वॉक करने के लिए और टू व्हीलर लेकर के आते हैं अपना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट पॉइंट, पूरा सनसेट का व्यू ऊपर चल के थोड़ा और। तो जो चैनल के साथ नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए, बने रहिए चैनल के साथ। ये जो चारों तरफ आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं सारी अरावली की पहाड़ियाँ है और उसके बीच में ही जयपुर शहर बसा हुआ है पूरा। ये जयपुर शहर ये सिर्फ एक साइड का है, इस साइड का जयपुर शहर उधर है, इस साइड का अलग है। जितना ऊपर चढ़ोगे उतने अच्छे नज़ारे मिलेंगे। तो थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं और दिखा देता हूँ आपको और अच्छा सा नज़ारा। ये जो सामने आप देख रहे हैं सनसेट पॉइंट और सूरज का, जो डूबते हुए सूरज का बहुत ही प्यारा नज़ारा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ डूबते हुए सूरज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये कुछ थोड़ी बहुत हरियाली इधर की, वैसे तो ये पूरी हरियाली में बसा हुआ है।
और जो आप सामने जो सूरज की तरफ देख रहे हैं, इधर ही इसका नाहरगढ़ फोर्ट है। सामने बहुत ही प्यारा सूरज का नज़ारा सनसेट टाइम, और इधर सनसेट, इधर ये। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो अभी हूँ सनसेट पॉइंट के यहाँ नाहरगढ़ जयपुर के ऊपर। फाइनली मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं उधर है नाहरगढ़ का फोर्ट, और सामने है सनसेट का नज़ारा। सो आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए आनंद लीजिए इस वीडियो का। तो यहाँ का पॉइंट हो चुका है पूरा, और दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ जा कर के। इधर के साइड को करते हैं बाय बाय, और ये कुछ इस तरीके का रास्ता है। और चलते हैं यहाँ से, और ये पूरा ब्रेक भी नहीं लगता यहाँ पे, कुछ इस तरीके का है। तो ये है नाहरगढ़ के तरफ का पूरा जो आउटसाइड है नाहरगढ़ का, ये उधर का व्यू है बाहर का। और जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो इस वॉल के दूसरी तरफ था, जो थोड़ा सा घूम के इधर आना पड़ता है इसके लिए, थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है इसके लिए इधर। और ये है नाहरगढ़ के बाहर का व्यू, और जो नाहरगढ़ का किला है वो है इसके अंदर की तरफ। आई थिंक सो कि यहाँ पे अभी टाइमिंग होगा एंट्री का, तो यहाँ से टिकट ले लिया हमने। 74 रुपीज़ का दो टिकट मिले हैं हमें, और यहाँ पे लोग चेक करेंगे टिकट को इस तरीके से, यहाँ पे स्कैन होगा, उसके बाद में हमें अंदर की तरफ एंट्री मिलेगी। तो ये थी यहाँ की डिटेल, जो कि टिकट काउंटर से लेकर एंड टिकट चेकिंग तक की। और अब हम चलेंगे इसके अंदर की तरफ। इसके अंदर की तरफ जो भी चीज़ होगी वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका टाइमिंग जो है अभी ओपन है, और लास्ट जो बंद होगा ये रात को 9 बजे तक बंद होगा। तो अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और इधर की तरफ में कुछ इसका शीश महल टाइप का कुछ है, जो कि कुछ इधर है, ये इस तरीके का कुछ है यहाँ पे शीश महल टाइप का, जो कि अंदर की तरफ है, वही कांच से बना हुआ शीश महल, लाइक होम टाइप का कुछ बना है, घर टाइप का, वो कांच से बना हुआ है। स्टोन नहीं, मिरर टाइप के जो कांच होते हैं उस टाइप का कुछ कांच, उसे कहते हैं शीश महल। और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं पूरी कुछ इस तरीके की है। इन्होंने एक डमी लगाया हुआ है यहाँ पे, ये बंगाल टाइगर का, जो कि आपके सामने है और आप देख रहे हैं। इन्होंने इसमें कोई स्पीकर भी लगा रखे हैं, तो कि ये अपनी आवाज़ निकाल रहा है। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पूरा व्लॉग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और बने रहिए ऐसी ही और वीडियो के लिए। सो मिलता हूँ आपसे अब सीधा अंदर की तरफ। कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। और एक बावड़ी इन्होंने इधर की तरफ बना रखी है, ये उस टाइम पे पानी के लिए, पानी स्टोरेज के लिए, जहाँ जहाँ इनको लगता था वहाँ वहाँ। ये पहाड़ के ऊपर है सारा जो आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये जयपुर के दूसरी तरफ का व्यू है। तो चलिए चलते हैं महल के अंदर, और महल के अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको सीधा। सो ये है महल के बाहर का व्यू, कुछ इस तरीके का है इधर। ये है महल के बाहर का व्यू, और इधर ही आगे जाके एक रेस्टो बना रखा है इन्होंने, जिसका नाम पड़ाव है। वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे अभी, और वहाँ पे जो व्यू है विद चाय कॉफ़ी के साथ में, वहाँ का व्यू भी बहुत ही अद्भुत है। अभी चलते हैं महल की तरफ। सो ये है महल के बाहर का व्यू, यहाँ पे हमारी वापस से टिकट चेक होगी, और उसके बाद में हमें एंट्री मिलेगी। इधर से अंदर जाने का जो रास्ता है वो ये है। तो चलिए चलते हैं और टिकट दिखाते हैं अपनी, और एंट्री करते हैं उसे। सर सुबह जाओ शाम में हो जाओ, अब ये कह रहे 2 से 10 मिनट पीएस सुबह, तो दूसरा रहेगा 2 मिनट चलेगा।
सो ये हो गई हमारी फाइनली टिकट चेकिंग और यह है एंट्रेंस इसकी और कुछ इस तरीके का पूरा जो महल है वो कुछ इस तरीके के अंदर है। और भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इस तरीके का ही कुछ और इस वीडियो के अंदर भी यही है, लेकिन मेन जो मैं आया हूँ वो है इसके ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह सारी अच्छी आती है लोगों की और यहाँ पे जो शूट्स जो होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे ही निकल करके आते हैं सारे चारों तरफ। तो यहाँ का मैं आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का व्यू है पूरा लोगों का। सो ये है महल के अंदर का व्यू जो कि कुछ है इस तरीके का और यहाँ पे लोगों ने गाइड किया हुआ है अपना, वो गाइड इनको समझाते हुए किस तरीके से क्या है क्या नहीं पूरा प्रॉपर। और हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ प्रॉपर और ये है कितना ही मतलब प्यारा नज़ारा आ रहा है कैमरे के अंदर और रियल आंखों से आप देखोगे तो उसमें भी बहुत प्यारा सा नज़ारा है ये सारा। सो ये है इसका ऊपर जाने का रास्ता और इस तरीके से ये ऊपर की इसकी फर्स्ट फ्लोर है जो दोनों तरफ से रास्ते हैं इसके और हम आ गए हैं अभी यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो कि आपने अभी इससे पहले देखा वो नीचे का व्यू था और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर और जो जस्ट आप ऊपर देख रहे हैं वो है सेकेंड फ्लोर। सो वो है इसका सेकेंड फ्लोर और हम हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर और इसके अंदर जो ये है एक ये बनाया हुआ है, ये कितना प्यारा दिख रहा है दूर से और आप इसकी पेंटिंग जो देखेंगे इसका जो कलर है अद्भुत। क्या नज़ारे हैं ये पूरे। और ये खिड़की है, इस खिड़की से यहाँ का बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। थोड़ा फॉग है, सर्दियों का टाइम है, दिसंबर चल रहा है और आज जो तारीख है वो है 12 दिसंबर जो हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को और बाहर का नज़ारा आप देखेंगे कितना प्यारा नज़ारा। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाता हूँ आपको सीधा ऊपर की तरफ ले जाके जाके। ये है इसकी लॉबी जो कि इस तरीके की गैलरी जो है वो हर रूम और हर हॉल से अटैच है यहाँ। वैसे तो एक तरीके का ये भूल भुलैया टाइप का है पूरा, ये पूरा भूल भुलैया टाइप का है। नया इंसान हो तो एक बार तो वो सोचे कि जाना किधर है। ये पूरी जो लॉबी है गैलरी है वो कुछ इस तरीके की है और हम आ गए अभी इसके दूसरे पोर्शन में और जो दूसरा पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का है और यहाँ से हम देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता और उसके बाद में चलते हैं ऊपर की तरफ। सो अब चलते हैं इसके ऊपर की तरफ जो कि ऊपर का जो रास्ता है वो है ये छोटा सा तंग सा, इसके अंदर घुसते हुए हम चलेंगे ऊपर इन छोटी छोटी सी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए और सिर्फ मेरे जैसा ही पतला दुबला इंसान आसानी से निकल सकता है। थोड़ा सा ये देखिए आप ऊपर का नज़ारा, यहाँ का जो ऊपर का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके से है। चलिए दिखाता हूँ आपको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपने बहुत सारी मूवियों की शूटिंग के अंदर यहाँ का व्यू देखा होगा और जो ये देखिए ओसम ओसम व्यू। चलिए दूसरी तरफ का भी दिखाता हूँ आपको वहाँ जाके। सो मैं हूँ अभी नाहरगढ़ के ऊपर और आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ जैसे कि पीछे की तरफ आप मेरे तरफ देख सकते हैं, ये है नाहरगढ़ के ऊपर जो नाहरगढ़ महल है उसकी तरफ का व्यू है पूरा। और इस महल को आपने बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा तो कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी मूवी में देखा है पहले, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। और कुछ बैक साइड का कुछ नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरीके का है।
ये है कुछ नीचे का व्यू जो आपको नीचे की तरफ से नहीं दिख रहा था, वो इधर की तरफ से पूरा प्रॉपर व्यू दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का है। ये है जयपुर की दूसरी साइड का व्यू, इधर इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, सो आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे इनकी, और मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन पहले आपको ये नज़ारा देखना चाहिए जो आपके सामने है। सनसेट पूरी तरीके से डूब चुका है, नीचे सनसेट व्यू है जो पूरा नीचे जा चुका है। ये है पूरा पॉइंट जो कि खूबसूरती लाजवाब है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। ऊपर का जो वेदर है वो तकरीबन 13 डिग्री समथिंग है, लेकिन हम इतना पैदल चल के आए कि यहाँ भी पसीना आ रहा है। अभी 13 डिग्री, सिर्फ मात्र 13 डिग्री का तापमान है यहाँ का, और आप देखेंगे यहाँ का व्यू, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये भी पूरा फोर्ट है। और जिस रेस्टोरेंट की मैं आपसे बात कर रहा था, पड़ाव रेस्टोरेंट, वो है आपके सामने, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे अभी इसके बाद में। और मुझे नहीं लगता कि एक व्लॉग के अंदर ही सब कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से वीडियो नहीं वॉच कर रहे हैं मेरी। सो अभी आप इंजॉय कीजिए नाहरगढ़ फोर्ट। ये है नाहरगढ़ फोर्ट जो कि एक बचा हुआ था पहले का, और नाहर जयगढ़ फोर्ट मैंने आपको पहले ही वॉच दिखाया उसमें। और ये है नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान। ये है दूसरी साइड का व्यू जो कि मैं आपको पहले दिखा रहा था। वहाँ फर्स्ट भी जो आपने देखा वो है नॉर्थ, और ये है वेस्ट, साउथ पूरा, ये ईस्ट वाला पूरा एरिया उधर है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग शूट्स भी काफ़ी होते हैं जो चल रहे हैं सामने आपके, ये आई डोंट नो प्री वेडिंग ही लग रहा है मुझे। सो इस तरीके का पूरा माहौल लाइक यहाँ बना ही रहता है बेसिकली। फ़ोन से आप शूट कर सकते हैं यहाँ, और कैमरा भी आप अपने हाथों से शूट कर सकते हैं। आप ट्राईपॉड जब यूज़ करेंगे तो उसकी अलग से परमिशन लेनी होती है यहाँ पे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस वीडियो से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ की इंफॉर्मेशन ही अभी तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ की। ये जो आप सामने देख रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है कि जयपुर के रोड पहचानने यहाँ से, लेकिन कुछ सामने जो चौपड़ जो दिख रही है, पता नहीं कौन सी है, छोटी चौपड़ है बड़ी चौपड़ है, लाइक MI रोड है सामने, बाकी कौन सी है आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गए हैं यहाँ, और इस तरीके से पहचानना मेरे लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सीन है कि उजाले में अगर जाओ कहीं अंधेरा हो जाए तो पूछना पड़ता है कहाँ गए हम। से कुछ इस तरीके का, जस्ट जोकिंग बेबी। सो आप देख रहे हैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट का ऊपर का नज़ारा। सो गाइज, मैंने दिखाया आपको अभी जयपुर के नाहरगढ़ के ऊपर का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो बताइए कमेंट के अंदर आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।